मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए एक सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आप लोगों के बोर्ड में आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, जहाँ पर अब तक हमने दो न्यूमेरिकल कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल कर लिया। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स अपॉन में एक्स ब्रैकेट लगा हुआ है सिक्स ब्रैकेट लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन लॉग एक्स प्लस के टू। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोगों के बोर्ड में आने की 100% चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, लॉग एक्स को सबसे पहले आप टी मानेंगे। क्या मानेंगे, लॉग एक्स को सबसे पहले बच्चों आप लोग टी मानेंगे और आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, वन अपॉन एक्स डी एक्स और डी टी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है dx अपॉन x, है ना, तो यही चीज़ बन गई। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे और नीचे क्या बच गया, 6 log की जगह बच्चों लिख देंगे t का स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये चीज़ समझ में आते ही आप लोगों को क्या करना है, दोबारा बस इसका इंटीग्रल कर देना है। ये इंटीग्रल सिंपल है, तो जिसको नहीं आता वो भी सीख लीजिए, जिसको आता है वो अब कर सकता है। तो प्यारे बच्चों दोबारा देख लीजिए, लॉग एक्स को हमने क्या माना, टी माना, लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, कितनी आई, डी टी आई, इस पूरी जगह मैंने डी टी लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 2t + 1 और 3t + 2, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, हिंदी वालों के लिए आंशिक भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2t + 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 3t + 2 एज इट इज़ लिखेंगे और ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, a अपॉन एक बार 2t + 1 आ जाएगा, एक बच्चों आपके पास आ जाएगा 3t + 2, यानी इस चीज़ को हमने दो बार ले लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यानी एक तरीके से। तो ए 3t + 2 बन जाएगा और बी 2t + 1 बन जाएगा और बच्चे इधर बच जाएगा 1। क्यों, जब हमने इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, तो ये चीज़ बच जाएगी। क्लियर है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को उठाएंगे, 2t + 1 को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाय टू बन जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1 = a 3 एज इट इज़, टी की जगह क्या लिख दिया मैंने, -1/2 + 2। क्लियर, बी 2 एज इट इज़, टी की जगह बच्चों मैंने लिख दिया -1/2 + 1, जहाँ पर 2 से 2 कट गया, -1 से +1 कट गया तो 0 बन गया, तो ये तो पूरा 0 बन गया। बच गया क्या हमारे पास, -3/2 + 2, एलसीएम लिया 2 2 = 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, तो हमारे पास बच गया बच्चों यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर बच गया 1। ये डिवाइड में ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे बच्चों, b के लिए करेंगे। तो b के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे हम लोग, 3t + 2 उठाएंगे, किसके बराबर रख देंगे, 0 के, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/3 आ गया। अब बच्चों हम लोग इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो मुझे मिलेगा 1 = जैसे मैं ये रखता हूँ तो ये a का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो b के वैल्यू में मुझे काम करना पड़ेगा, तो 2 एज इट इज़, t की जगह मुझे कितना मिल जाएगा, -2/3 और +1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, -4/3 और +1, एलसीएम लेंगे तो 1/3 बन जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो बच्चों हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया, इस a और b की वैल्यू उठा के हम लोग बच्चों यहाँ रख देंगे, तो रखेंगे a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2t + 1, b की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, 3 आई और अपॉन में हो जाएगा 3t + 2। ये चीज़ बच्चों हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 2 रख दी, b की वैल्यू 3 रख दी, ये चीज़ बन गया। अब हम लोग बच्चों इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे dt, 2t + 1, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे dt और अपॉन में 3t + 2। ठीक है बच्चों, ये चीज़। अच्छा यहाँ पर बच्चों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस के 4 हैं, तो ये b की वैल्यू माइनस की आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी
ये माइनस आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, टू एज इट इज, इसका हम लोग इंटीग्रल जानते हैं कितना होगा, लोग टू टी प्लस वन होगा, और जो टी के साथ जो दो लिखा हुआ है वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। माइनस का थ्री एज इट इज, इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं लोग थ्री टी प्लस के टू होगा, और जो बच्चों टी के साथ जो थ्री लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जहाँ पर ये दोनों टर्म कट जाएंगी। अब क्या बच गया आपके पास, लोग टू टी प्लस वन, और देखो ये माइनस में है तो माइनस वाली कंडीशन आप कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, तो ये बन गया आपके पास प्लस का सी, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी लगा देते हैं ना, तो लोग टू टी प्लस वन माइनस लोग थ्री टी प्लस टू, ये माइनस में थी तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब लॉग एज इट इज और टू एज इट इज, जहां पर टी की वैल्यू अब हम लोग पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, लॉग एक्स मानी थी, तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे, तो कितना बन गया, टी लॉग एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, टी की जगह क्या रख दिया, लॉग एक्स प्लस के टू और प्लस सी। तो बच्चों ये आप लोगों का फाइनल आंसर, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर समझ में आ गया हो, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जितना आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।